फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रभात काल के मेघ सूर्य के प्रकाश का आच्छादन करके छाया को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही क्रियाओं को जानने वाले लोग वस्त्र आदि पदार्थों से शरीरों को ढांप के अनुकूलता से सुख को प्राप्त करते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि निष्फल क्रियाओं को कभी न करें। जिस जिस क्रिया से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो, उस उसको प्रयत्न से करो। भावार्थ, दरिद्र लोगों को चाहिए कि धन युक्त पुरुषों से सदा याचना करें, जिससे कि वे दरिद्र लोग सुख को प्राप्त होवें। भावार्थ, जैसे गौवें प्रेम भाव का आश्रयण करके बछड़ों में प्रेम धारण करती हैं, वैसे ही राजा आदि अध्यक्ष पुरुष सेनाओं की प्रजाओं के प्रेम भाव से रक्षा करें। भावार्थ, जो मनुष्य स्तुति करने योग्य पुरुषों की निंदा नहीं करते, वे बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर शरीर और आत्मा से सदा ही सुखी होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य सब लोगों के गुणों की प्रशंसा और दोषों की निंदा करें, वे विवेकी अर्थात विचारशील होके गुणों के ग्रहण करने और दोषों के त्याग करने को समर्थ होते हैं। भावार्थ, हे मित्र जनों, आप लोग हम लोगों से दूर व समीप स्थान में वर्तमान हुए हम लोगों का कल्याण करो और प्रीति का त्याग मत करो, और हम लोग भी आप लोगों में ऐसा ही वर्ताव करें। इस प्रकार परस्पर वर्ताव करके इस संसार में सुखी होवें। भावार्थ, हे मनुष्यों, दो अग्नियों से चलाए हुए वाहनों पर स्थित होकर नीचे ऊपर और तिरछे देश में जाकर आइए। इस सुक्त में विद्वान मनुष्यों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, ऐसा जानना चाहिए। यह 41वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 42वें सुक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वान के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, वे लोग ही सब लोगों के मित्र हैं कि जो लोग अपने ऐश्वर्य से सब लोगों को बुलाकर सत्कार करते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो सोमलता आदि औषधियां वृष्टियों से उत्पन्न होती, रोग विनाशक होने से तृप्तिकारक होती और सूक्ष्म अवयवों के द्वारा अंतरिक्ष को प्राप्त होके सब स्थानों में फैलती हैं, उनका युक्त से सेवन करके सदा आनंद का भोग करना चाहिए। अब विद्वानों के सत्कार विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वान लोग अन्य जनों के प्रति इस प्रकार से उपदेश देवें कि हम लोग जिनको बुलाकर सत्कार करें, आप लोग भी उन्हीं का सत्कार करें। भावार्थ, जो अविद्वान लोग प्रीति से विद्वान लोगों को बुलावें, तो वे उनके समीप बहुत बार जावें। भावार्थ, तभी मनुष्य पूर्ण विद्या और ऐश्वर्य वाले होवें कि जब सृष्टि के वर्तमान पदार्थों की विद्या को जाने। भावार्थ, मनुष्य जिसको सुख के प्रदानों में योग्य शूरवीर न्यायाधीश जाने, उसी से सुखों की पूर्ति करनी चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसको सूर्य की किरणें और पौने पीती हैं, उसी रस का आप लोग पान करके बलिष्ठ होइए। भावार्थ, प्राणी लोग जो खाते और पीते हैं, यह सब पदार्थ रुधिर आदि हो और हृदय में फैलकर मस्तक के द्वारा सर्वत्र फैलता है। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, नवीन विद्वानों से प्राचीन विद्वान श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इस मंत्र में इंद्र, विद्वान और सोम के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 42वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 43वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो लोग विद्या के प्रकाश को प्राप्त हो, विमानादि वाहनों का निर्माण और उसमें अग्नि आदि का प्रयोग करके अंतरिक्ष में जाते हैं, वे प्रिय आचरण करने वाले मित्रों को प्राप्त होकर दरिद्र का नाश करते हैं। अब मित्रता के गुणों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिस बुद्धि से सब लोगों के साथ मित्रता हो, उससे युक्त हुए सबके आशीर्वादों को प्राप्त होकर सुख को निरंतर प्राप्त होइए। भावार्थ मनुष्यों को उन लोगों की ही प्रशंसा करनी चाहिए कि जो सबके सुखों की वृद्धि करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे लोग ही मित्र होने योग्य हैं कि जो बड़े दुख को प्राप्त होकर भी मित्रों का त्याग नहीं करते, और जैसे दो वा बहुत घोड़े इकट्ठे होकर यथेष्ट स्थानों में पहुंचाते हैं, वैसे अपने आत्मा के सदृश प्रिय जन इच्छा की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो लोग आप लोगों को विद्या विनय और उत्तम शिक्षा दान से बड़े राजा करते और वेद के अर्थों को समझा के मोक्ष सिद्ध करते हैं, उनको आप अपने आत्मा के सदृश प्रसन्न करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान लोग घोड़ों के सदृश अभिष्ट स्थानों में मूढ़ों को पहुंचाते हैं, वे संपूर्ण समृद्धि कर सकते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो शेन पक्षी के सदृश शीघ्र चलने और सबके सुख की कामना करने वाले पुरुष मनुष्यों को सुख देते हैं, उन लोगों के समीप वर्तमान होकर विद्या संबंधी व्यवहार के आनंद को प्राप्त होवो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के शरण को पहुंचकर अविद्या और दारिद्र का नाश तथा विद्या और लक्ष्मी को उत्पन्न कर निरंतर आनंद बढ़ावे। इस सूक्त में विद्वान सखी और सोमपानादिकों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 43वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 44वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में सूर्य के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही लोग दयालु हैं कि जो अन्य जनों के ऐश्वर्य की वृद्धि की इच्छा करें और ऐश्वर्य वालों को आते हुए देख के प्रसन्न होवें। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य प्रातः काल के सदृश विद्याओं के प्रकाश में तत्पर और सूर्य के सदृश धर्माचरण की कामना करते हुए प्रयत्न से ऐश्वर्य की इच्छा करें, वे सब प्रकार लक्ष्मी युक्त होकर निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग सूर्य के सदृश नियम पूर्वक धर्मयुक्त कर्मों को सिद्ध करते और वायु के सदृश निरंतर प्रयत्न करते हैं, वे बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ विद्वान लोग जैसे प्रसिद्ध सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करके आप प्रकाशित होता है, वैसे ही सद्विद्या के उपदेश से धर्म का प्रकाश करावें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग सूर्य के सदृश विद्या नम्रता सेना और धन आदि का प्रकाश और अविद्या आदि की निवृत्ति कर जिसका उत्तम सहाय उस राजा के साथ सलाह करके राज्य का पालन करते हैं, वे पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं। इस सूक्त में सूर्य बिजली वायु और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 44वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 45वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि ऐसी सेना ऐसे रथ आदि की जिनसे युद्धादि व्यवहार सिद्ध के लिए जान